कृषि मीडिया एंड टेक किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। जी हाँ किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा जीवो 245 की। आज की वीडियो में जानेंगे इसके प्राइस, फीचर और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले तो किसान भाइयों, सिनेमैटिक शॉट आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो दोनों तरफ आप देख रहे होंगे इसके महिंद्रा जीवो 245 DI की ब्रांडिंग दी गई है और आगे बोनेट के ऊपर ही फोर व्हील ड्राइव की ब्रांडिंग भी दी गई है। इसी के साथ में अगर हम बात कर लेते हैं इसके जो है साइलेंसर की, तो वो जो है इसका आगे की तरफ दिया गया है जिससे कि वो जो है पेड़ वगैरह में ना अड़ सके। आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी आप इसे कर सकते हैं। इसी के साथ में आप इसका लुक देखें तो काफ़ी शानदार जो है इसका लुक दिया गया है। फ्रंट टायर साइज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो किसान भाई, फ्रंट टायर इसके अंदर 6014 के दिए गए हैं और रियर टायर इसमें 8324 के दिए गए हैं। इसी के साथ में यहाँ पर रिम का जो कलर दिया गया है वो रेड कलर दिया गया है। बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसके इंजन की, तो इसमें जो इंजन है वो 24 HP का 2 सिलेंडर का इंजन है जो कि 1366 CC का इसमें इंजन ये लगाया गया है। ये अपनी मैक्सिमम पावर 2300 इंजन रेटेड RPM पर जनरेट करता है। इसी के साथ में आपको इसमें जो है सिंगल डीजल फिल्टर देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं स्टेयरिंग की, तो इसमें आपको पावर स्टेयरिंग देखने को मिलेगा जो कि डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग इसके अंदर लगाया गया है जो कि काफ़ी इजीली और स्मूथली ये वर्क करता है, आप देख पा रहे होंगे। और इसके अंदर किसान भाइयों एक चीज़ और खास दी गई है, इसके अंदर बबल गियर सिस्टम दिया गया है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई ग्रीसिंग पॉइंट नहीं होता, बार बार आपको ग्रीसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये वाटरप्रूफ भी होता है। इसी के साथ में इंडिकेटर देखते हैं, तो नए लुक के साथ में इंडिकेटर दिए गए हैं, सिंगल पीस बोनेट दिया गया है जो कि आप यहां से ओपन कर सकते हैं। डीजल टैंक आपको इसमें जो है वो 23 लीटर का देखने को मिलेगा जो कि की लॉक के साथ में दिया गया है। बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसके जो है फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया गया है इसके अंदर, हल्का सा बीच में बम्प देखने को मिलेगा। ब्रेक्स की बात करते हैं तो ऑयल इमर्स्ड ब्रेक दिए गए हैं, ये पैर वाली रेस दी गई है। और इसी के साथ में बात करेंगे इसके गेयरबॉक्स की, तो इसका जो गेयरबॉक्स है वो किसान भाई स्लाइडिंग मैस गेयरबॉक्स है जो कि आप देख पा रहे होंगे। इधर आपको जो है हाई लो न्यूट्रल और बैक का गियर लीवर देखने को मिलेगा और ये इसके हाइड्रोलिक कंट्रोल देखने को मिलेंगे। काफ़ी शानदार डिलक्स सीट दी गई है, सीट के बीच में भी आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेन गियर लीवर मिलेगा जिस पर कि आपको 4 गियर मिलेंगे, यानी कि टोटल इसमें जो है गियर हैं वो 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर दिए गए हैं। इसी के साथ में आप देख रहे होंगे ये ट्रैक्टर को बंद करने के लिए स्विच दिया गया है और ये जो है लाइट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए स्विच दिया गया है। स्टेयरिंग की बात करते हैं तो काफ़ी शानदार इसका स्टेयरिंग दिया गया है, स्टेयरिंग के बीच में महिंद्रा की ब्रांडिंग दी गई है। डैशबोर्ड की बात करते हैं तो एनालॉग डैशबोर्ड है जो कि डिजिटल आवर मीटर के साथ में दिया गया है। डैशबोर्ड अगर आप देखते हैं तो एक तरफ आपको टेम्परेचर मीटर, बीच में RPM मीटर और दूसरी तरफ आपको फ्यूल का मीटर देखने को मिल जाएगा। ये इसकी हैंड वाली रेस दी गई है। अब बात करेंगे किसान भाइयों इसके जो है पिछले हिस्से की, तो इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी दी गई है वो किसान भाइयों 750 किलोग्राम की दी गई है और इसी के साथ में आप देखते हैं तो काफ़ी हैवी ड्यूटी इसकी जो है लिंकेज वो बनाई गई हैं। बात करेंगे सेंसिंग की, तो इसमें डबल पॉइंट सेंसिंग के लिए दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे डबल पॉइंट पूरा सेंसिंग के लिए दिया गया है। इसी के साथ में किसान भाइयों बात करेंगे जो है इसमें पीछे, तो आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है जिससे कि आप ट्रॉली वगैरह में भी लाइट फिटिंग कर पाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ी हेडलाइट दी गई है जिससे कि नाइट वगैरह में भी आप जुताई वगैरह आसानी से कर सकते हैं। पीछे रिफ्लेक्टर भी आपको देखने को मिल जाता है, वहीं पर आपको पीछे ही इसका लोहे का टूल बॉक्स दिया गया है जिससे कि आप छोटा मोटा सामान अपना आसानी से कैरी कर पाएंगे। बात करते हैं PTO की, तो डुअल PTO इसके अंदर दी गई है 605 RPM प्लस 750 RPM जिसे कि आप काफ़ी इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। PTO HP की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है 22 HP की PTO पावर देखने को मिल जाती है। तो किसान भाइयों ये था इस ट्रैक्टर का कंप्लीट रिव्यू और इसके फीचर्स। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। प्राइस हम आपको इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि प्राइस जो है ऊपर या नीचे होते रहते हैं। अगर आपको इस ट्रैक्टर की या महिंद्रा के किसी भी ट्रैक्टर की अधिक जानकारी लेनी है तो आप एक बार जो है शोरूम विजिट कर सकते हैं। मैं आपको इनका नंबर और एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और अगर किसान भाइयों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।